हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी, काफी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि हमारा वेट ज्यादा है या कम है, तो पीटी पीएसटी में क्या वेट में आउट तो नहीं करता है। पीटी पीएसटी में देखिए, कोई भी भर्ती हो, चाहे एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या ट्रेड्समैन हो या सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट कमांडेंट, कोई भी भर्ती है, उसमें आपको वेट में आपको आउट नहीं किया जाएगा। यहां पर आपको सावधानी किया जाता है, कॉशन किया जाता है आपको। देखिए, इनका वेट जो है आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं यहां को 75 केजी है। अब इसमें ओवरवेट इफ एनी बाई 5 केजीज, यहां साफ लिखा है कि 5 किलो से ओवरवेट है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू बी इन वेट क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ डीएमई। वेट विल बी measured calculated as per height and age chart only। कि आउट नहीं किया, क्वालिफाई है तीनों में, ये देख लीजिए पूरा क्वालिफाई हो गया है। क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट दे दिया, कुछ सेंटर्स पर ये सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, तो आपको यदि क्वालिफाई बता दिया है, आप क्वालिफाई हैं, ओवर वेट आपको बताया गया है, तो आप अपना वेट अकॉर्डिंग टू हाइट वेट चार्ट करके लेके जाए। ये देख लीजिए आप, ये मेल का चार्ट है, तो मेल में जैसे हम बात करें 170 हाइट वाला कैंडिडेट है और 23 से 27 के एज ग्रुप में यदि आता है तो कितना वेट होना चाहिए, यानी 54 to 66 केजी वेट होना चाहिए। 54 से आप नीचे रहते हैं अंडरवेट हो जाएगा, ऊपर रहते हैं ओवरवेट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों को ये डाउट है कि प्लस माइनस 10% होता है, तो वो प्लस माइनस 10% करके ही ये एवरेज दिया है। यहां लिखा है एवरेज बॉडी वेट। अब हाइट के अकॉर्डिंग किसी का 180 हाइट है, एज उनका यदि 18 से 22 के बीच में आता है तो 72 तक चलेगा, 72 से यदि ज्यादा हो गया तो वो ओवरवेट हो जाता है। तो ओवरवेट वेट में आपको ओवरवेट अंडरवेट अनफिट किया जा सकता है। और रीमेडिकल का जो ऑप्शन है, अभी फिर भ्रांति है कैंडिडेट्स को कि रीमेडिकल नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। जो भी अनफिट होगा, चाहे वो वेट में हो, चाहे टैटू में हो, चाहे हेमोरॉइड में हो, सबको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ओवर वेट हैं, आप चाहें तो आप रीमेडिकल का ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं, और आप चाहें तो नहीं ले सकते हैं। अब किसी को टैटू है तो टैटू वाले कैंडिडेट्स क्या है, यदि टैटू के साथ मेडिकल में चले गए तो एक दिन में जाहिर सी बात है टैटू रिमूव नहीं होगा, या 10 किलो ओवरवेट है तो 10 किलो ओवरवेट भी कम नहीं हो सकता, तो रीमेडिकल होगा, बिल्कुल होगा, सबका होगा। लेकिन जो पॉइंट, सब जैसे ओवरवेट बाई 5 किलो जो कैंडिडेट हमने आपको दिखाया पीछे, वो यदि मेडिकल के टाइम पर भी यदि होता है तो क्या होगा, अनफिट होना तय है, रीमेडिकल में भी अनफिट होना तय है। लेकिन आप अपने वेट को इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप करके ले लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, अब फीमेल का कितना है, 157 है मिनिमम जो हम स्टैंडर्ड हाइट लेते हैं, तो इसमें क्या है कि 157 यदि है तो उसको 158 के हिसाब से देखना है आपको, कि इसमें पूरा कम संख्या में ही चलेगा। अब किसी का 18 से 22 है तो उनका कितना होना चाहिए, उनका होना चाहिए 40.5 से 49.5, 49.5। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं कि जो अपनी भर्ती में महिलाओं का जो वेट है वो फिक्स कर देती हैं कि उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एसएससी जीडी का जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपका हाइट यदि होता है 163 होता है, 4 होता है, कि एज हो रही है 27, तो 44 से 54 तक चलेगा, उससे ऊपर है तो आप ओवरवेट हो सकते, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, वेट चार्ट के अकॉर्डिंग अपना वेट बनाए रखना है। अभी आप पीटी पीएसटी आपका हो गया है तो ना कम होने देना है ना ज्यादा होने देना है, कि वेट का नॉर्मल सा पॉइंट है जो आपके खुद के हाथ में है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो आपको खुद को कम करना है या बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए डॉक्टर की जरूरत हो सकती है, लेकिन घटाने के लिए तो एक्सरसाइज, डाइट प्लान, बस रनिंग, लॉन्ग रन, डिस्टेंस रनिंग, आप जितना करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे उतना आपका वेट काबू आएगा। तो दोस्तों, अपना वेट वेट चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वेट जैसे नॉर्मल पॉइंट में आप अनफिट नहीं हो जाएं, आपका वर्दी का सपना नहीं टूट जाए। जय हिंद।